इंटीग्रेशन एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू डी एक्स, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी टर्म है इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी नीचे वाली टर्म है अगर उसकी हाईएस्ट जो पावर है वन है, तो हम इसे सिंप्लीफाई में लिख सकते हैं ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस, ये भी सिंपल लीनियर टर्म है, तो बी अपॉन एक्स प्लस टू। अब हम इस साइड को सॉल्व करके सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, इन दोनों को आमने सामने मल्टीप्लाई एंड जो ऊपर टर्म है उसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं जैसे हम नॉर्मल मैथ्स में करते हैं। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन, ए को मल्टीप्लाई अंदर दोनों टर्म से एंड बी को भी मल्टीप्लाई अंदर दोनों टर्म से। नाउ आप नीचे देखिए, नीचे टर्म जो है वो सेम है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली टर्म का कंपैरिजन करेंगे बोथ साइड्स में। इस साइड में x वाली टर्म्स कौन सी हैं, a एंड प्लस b, तो ये क्या आ गया a प्लस b इक्वल। इस साइड में x की वैल्यू क्या है, 1। नाउ कंपेयर द कॉन्स्टेंट टर्म, तो ये क्या है 2a प्लस बी इक्वल। इस साइड कांस्टेंट टर्म कोई भी नहीं है, तो हम इसे क्या लिख देंगे, जीरो। अब इन दोनों इक्वेशन को आप किसी भी वे में सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो एलिमिनेशन मेथड लगाइए, सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैं इसे सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड यूज कर रही हूँ, दोनों टर्म क्या सेम है, तो नीचे वाले टर्म का साइन चेंज, नाउ कट माइनस से इक्वल वन, सो ए इक्वल माइनस वन। नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, हम क्या करेंगे, ए की जो वैल्यू आई है उसे हम एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल वन मीन्स माइनस वन प्लस बी इक्वल वन, ए की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी, बी इक्वल वन माइनस वन दूसरी साइड जाके प्लस वन, सो बी इक्वल टू। हमारे पास ए एंड बी की वैल्यू आ गई, तो हमारी जो टर्म ये थी इंटीग्रेशन एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू डी एक्स, इसे हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, ए की जगह पर ए की वैल्यू माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन ये वाली टर्म, प्लस बी की जगह पर बी की वैल्यू टू ओवर एक्स प्लस टू डी एक्स। नाउ अब हम इसकी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। वन अपॉन समथिंग की इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, माइनस एज इट इज लॉग एक्स प्लस वन प्लस टू एज इट इज एंड लॉग एक्स प्लस टू। जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो साथ में कांस्टेंट ऐड करते हैं, यहाँ पर मैं कांस्टेंट लगा रही हूँ सी। अब हम क्या करेंगे, इस पर नॉर्मल लॉग के फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे नॉर्मल लॉग के फॉर्मूलाज क्या होते हैं, एम लॉग एन इक्वल लॉग एन रेज टू पावर एम, लॉग एम प्लस लॉग एन इज इक्वल्स टू लॉग एम इंटू एन एंड लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल लॉग एम अपॉन एन। तो ये हमारे क्या होते हैं, जनरल लॉग के फॉर्मूलाज। इन फॉर्मूलाज को मैं यहाँ पर क्या करूँगी, अप्लाई करूँगी।
सबसे पहले मैं इसे रीअरेंज कर लेती हूँ, पॉजिटिव टर्म आगे एंड नेगेटिव टर्म बैक में। नाउ ये क्या है m log n n, तो ये क्या आ जाएगा log n raised to power m। ना अब ये क्या है log m माइनस log n, log m माइनस log n, इसे हम कैसे लिखेंगे log m अपॉन n मीन्स log m अपॉन n। सो दिस इज आवर आंसर।